हाय बच्चों, सुप्रभात। आज की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं बर्ड अष्टम में पाठ चार है, तीन तक तो मैंने पिछली वीडियो में लिखवा दिया था, प्रश्न चार से बाकी है। प्रश्न चार है प्रकृति प्रत्यय विभागम को, मैंने इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। जैसे है आगत्य, आगत्य का होगा आ जोर गम जोर लिया आगत्य। अब है विहस्य, विहस्य का होगा वी जोर हस जोर लिया विहस्य। अब है आगता, आ जोर गम जोर कत आगता। कुर्वन तू प्री जोर सत्री कुर्वन। अब है इत्थन, इत्थ जोर सत्री। अब है पीवन, जोर ती। अब है मृत, मी जोर कत हो गया प्रकृति पढ़ते। अब है सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न पांच है, वाक्य बनाना है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। प्रश्न पांच है वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने के लिए किस किस से वाक्य बनाना है कहते हैं, वाक्य निर्माण करें, वाक्य निर्माण करें, वाक्य निर्माण करें। गृह है, इसमें है गृह, गृह से बनाना है। सह सदा गृह तिष्ठति, सदा गृह तिष्ठति, वह सदा घर में ही रहता है। इसका क्वेश्चन है यदा कदा मैंने कभी कभी, सह यदा कदा आगच्छति, सह यदा कदा आगच्छति, वह कभी कभी आता है। अब है सदा, सदा मीन्स होता है हमेशा, सदा मीन्स क्या होता है हमेशा। सदा का है सदा सत्यम पद, सदा सत्यम पद, यानी सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, ठीक है। उसके बाद है सदा के बाद है सह माने साथ में, रामेण सह सीता वनम अगच्छत, अगच्छत राम के साथ सीता वन में गई। अब है तत्र एकः कूपः अस्ति, वहां एक कुआं है। तत्र एकः कूपः अस्ति। अब है वर्तते क्या होगा, हिमालयस्य भारतस्य उत्तरस्यां दिशि, होगा हिमालयस्य
हिमालया हिमालया उत्तरस्यां दिशि वर्तते, उत्तरस्यां दिशि वर्तते, हिमालय उत्तर दिशा में है। इसका होगा हिमालया उत्तरस्यां दिशि वर्तते। हो गया, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। 4 और 5 मैंने लिखवा दिया। अब आप इसका अगला प्रश्न है वो मैं कल आप लोगों को लिखवाऊंगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे ताकि आप लोगों का परीक्षा भी लिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, इसलिए आप लोग इसको तैयार रखेंगे और काम करेंगे, याद करेंगे ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। आप लोग इसे नोट करें। धन्यवाद।